ओम शांति। आज 23 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है याद। बाबा कहे, तुम्हें निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि इसी से ही कर्म भोग चुक्त होंगे और तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बाबा को साथ साथ वंडर लगता है कि जो माता पिता इतना सुख देने वाला, उसके लिए भी बच्चे कहते हैं, क्या करे बाबा, आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहे, वंडर लगता है, माता पिता से इतना सुख मिलता है। बाबा कहे, तुम बच्चों के पास ही आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, तो यथार्थ याद भी तुम ही कर सकते हो। और तुम बच्चों को निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुक्त हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहा है, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर बाप द्वारा आस्तिक बने हैं। बाबा कहे, अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाबा से ही हमें बाबा का संपूर्ण परिचय मिला है। तो सहजता से उस परिचय के आधार से याद करते आस्तिक बनते जाते हैं। क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वह है आत्माओं का फादर। सन्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है, आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं, जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। जब दुनिया में एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं, आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। सत्युग से भूल गए, फिर द्वापर के बाद कुछ कुछ स्मृति आई भी, लेकिन फिर भी बाप को संपूर्ण रीति से कोई जानते नहीं। अब तुम बच्चों में ये निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। बल यहां सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा, पतित पावन बाप, पतित से पावन देवता बना रहे हैं।
देवताओं की तो यहां सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, नामी ग्रामी है, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। ये निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते क्या होता है, माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा ये बाप नहीं है। दुनिया में कोई भी बच्चे संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा बाप नहीं है। यहाँ ये वंडर है, कहते भी है परम पिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वह नंबर वन में है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं है। मम्मा बाबा भी इतनी मेहनत करते हैं, योग लगाते, बाबा कहे फिर भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं है। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है, अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। जितना परमात्मा सर्वशक्तिमान तो माया भी उतना ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी है पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को कोई समझते नहीं है कि हम पतित है। यह समझाना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहां तो भारत बहुत सुखी था, उस पावन दुनिया में भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, वह इन सब वेद शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। यही यहां वंडर है, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वह नशा नहीं चढ़ता। यहां से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, क्या करती है, देह अभिमान तो नंबर वन है, देह अभिमान में ले आती है। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो, आत्मा समझो। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं।
अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु क्या होता है, बाबा कहे परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। मुख्य बात तो यह है, बाप को याद भी नहीं करते और फिर सच भी नहीं बतलाते। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाते हैं। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना, कि आज इतना कमाया। जितना जास्ती कमाते उतनी खुशी भी जास्ती होती। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। यह तो अविनाशी कमाई है, साथ चलने वाली है, तो कितना नशा और कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। बाबा बच्चों को कितना अपने से भी ऊंचा बनाते और बच्चे क्या कहते हैं, बाबा सर्वव्यापी है तो अपने से भी पत्थर ठिक्कर बित्तर में ले जाना कितना नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता, इतना ऊंचे ले जाते हैं और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। फिर भी बाबा बच्चों को कहते हैं सारा दोष किसका है, ड्रामा का है। तो यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। सॉल्वेंट बुद्धि माने एकदम प्योर बुद्धि थी। फर्क देखो कितना है, कहां भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है, तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूं तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली है, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं, दे अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी बहुत प्रबल है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को भी नहीं जानते। बाबा कहे वो हमारा बाप है
बाप बच्चे का संबंध है वो भी नहीं जानते हैं, तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा को बहुत वंडर लगता है कि तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूं। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो, आश्चर्य की बात है। तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है, माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकार ही है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती है। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो। बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है। मानो कोई प्रश्न पूछता है और समझा नहीं सकते हो तो कहो बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, नॉलेज तो अथाह है, इसीलिए ज्ञान सागर कहा जाता। सागर माना अथाह। समझने वाले कोई समझे, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। मेन बात यह है कि पढ़ते पढ़ते कई बच्चे थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वह है हठयोगी सन्यासी और यह है राजयोग। बाबा कहे वो तो हठयोगी सन्यासी है, तुम हो राजयोगी। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। हठयोग और राजयोग को यथार्थ रीति समझाने का बाबा कहे अभी तक बच्चों में ढंग नहीं आया है। उनका है हठयोग संन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता। हद का संन्यास स्थूलता में है, बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते कि वह है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहां ही निवास करती है। ये किसको पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। ये कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना।
ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है, हमने फलानी जगह जन्म लिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं, मैं भी बिंदी हूं, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी बड़ी महिमा भारी है, बाबा की महिमा भी बड़ी भारी है। शिवाय नमः, ये किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने। इतनी एक एक छोटी छोटी बात को भी बाबा कितना स्पष्ट करके बताते कि आत्मा शालिग्राम ने शिवाय नमः कहकर बाप की महिमा की। तो जरूर वह अलग है, आत्मा शालिग्राम और परमपिता परमात्मा अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंच ठहराना, यह बातें तुम समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है, तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रालब्ध भोगते हैं, यह प्रालब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। वो बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा। ये शरीर लोन लिया है, सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परमधाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहां से आया हुआ है? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान क्या करने आया? पतितों को पावन बनाने आया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। दूसरी पॉइंट, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वही स्वकल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख, बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। जो अपने प्रति, अपनी उन्नति, अपने प्रति संतुष्टि व राजी रहते हैं, उसको कहेंगे स्वकल्याणी। और जो बेहद की वृत्ति रख, बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान
हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।